हुआ है क्या? मैं हॉस्पिटल में क्यों? बोलो ना शिवानी, मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अब ढंग से चेक कीजिए आप मेरे भाई को, अब जरूरत पड़े तो कोलकाता के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलवाइए आप, उसकी आंखें ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है मुझ पर तरस खाने की। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है दादा, अब तो आपके दिल को सुकून मिल गया होगा ना, खुश हो गए ना आप मेरा ये हाल देखकर। मम्मी जी ये हो लो बहू, सब ठीक तो है ना? नहीं मम्मी जी, मेरे विक्रम दा का एक्सीडेंट हुआ है, अभी अभी मेरे पास घर से फोन आया, वो मेरी शादी के लिए आ रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, अभी वो हॉस्पिटल में, मुझे उनके पास जाना है। देख बहू, आज ही तेरा गृह प्रवेश हुआ है और आज ही के दिन तू वापस जाएगी। जी इतना बड़ा अपशगुन, नहीं तू नहीं जा सकती, समझी? लेकिन मम्मी जी मेरे विक्रम दा का एक्सीडेंट हुआ है और वो सीरियस है। पर जिंदा तो है ना? देख बहू, अब तू इस घर की हो चुकी है, तू कहीं नहीं जा सकती, समझी? मम्मी जी प्लीज सुनिए ना, मम्मी जी देखिए ना ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारी मम्मी इतनी रूठ क्यों बन रही है? मेरे विक्रम दा का एक्सीडेंट हुआ और वो मुझे कह रही कि मुझे वहां नहीं जाना है, ये क्या है ये सब? तारा धीरे बोल सितारा, आई अंडरस्टैंड कि माँ थोड़े पुराने ख्यालों वाली है, पर उन्होंने इस घर में कुछ नियम बनाए और सालों से वो नियम बदले नहीं गए। I know. देखो मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था, मैं उन्हें समझाऊंगा। देखो तारा स्ट्रेस मत लो, चलो ये आंसू पोछो, आई कांट सी यू लाइक दिस। आपके सहारे की जरूरत नहीं है दादा, अब तो आपके दिल को सुकून मिल गया होगा ना, खुश हो गए ना आप मेरा ये हाल देखकर। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, काश काश उस एक्सीडेंट में मैं मर गया होता। बहुत ठंड है, विक्रम से ज्यादा कमजोर है, मैं हो गया हूं। फिर चलेगा ना मेरा भाई? हाँ भैया। शाबाश, चलो उस बच्चे को देखा आपने? उसे चोट लगी थी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, वो बच्चा गिर भी गया लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा, पता है क्यों?
क्योंकि उसे पता है कि उसके पास उसके बड़े भाई हैं, इसलिए बार बार गिरने के बाद भी वो उठ रहा है। विक्रम जी का हाल भी इसी बच्ची की तरह है, उन्हें संभालने की बहुत जरूरत है। वो जिद करेंगे, चिड़चिड़े होंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है। आज विक्रम जी को एक भाई के साथ साथ उनके बाबा की भी जरूरत है। वो जिद करेंगे, चिड़चिड़े होंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन आपको उनका साथ देना है, वरना वो टूट जाएंगे और अपने पैरों पे कभी कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। आज विक्रम जी को एक बड़े भाई के साथ साथ उनके बाबा की भी जरूरत है। दोनों जिम्मेदारियां आपको ही निभानी है, चाहे आप वो कमजोर पड़ के निभाए या फिर अपने भाई की हिम्मत बन के। आप पर है बहुत ठंड है, शॉल ओढ़ लीजिए। से लोग आए, आई थिंक सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के लिए। ये विक्रम जी के लिए। सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, कोलकाता से डॉक्टर आने मेरा भाई ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा मेरा भाई। नहीं पड़ेगी, ले जाइए इनको, नर्स ले जाइए इन सब चीजों को, ठीक हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? दादा वो कोर्ट से लोग आए, आई थिंक सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के। हम तो यहाँ हैं। नहीं आ जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं विक्रम को छोड़कर नहीं जा सकता, कोलकाता से बहुत बड़े डॉक्टर आने वाले हैं, उनसे बोलो किसी और दिन आ जाएंगे। दादा मैंने उन्हें घर की सारी सिचुएशन बताई, वो लोग नहीं मान रहे, बोला करें आज ही उन्हें बच्चों से मिलना है। आप पिछली माँ घर में अकेली, उनसे अकेले कुछ मैनेज नहीं होगा, प्लीज आप दोनों घर जाइए। मैं यहाँ रुकता हूँ ना, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा, लेकिन अगर आप दोनों अभी घर नहीं पहुँचे तो वो लोग कोर्ट में गलत रिपोर्ट दे।
और हमारा केस ठीक हो जाएगा। जरा बात को समझिए। अजय विक्रम का ध्यान रखना, उसे उसे किसी भी हाल में अकेला मत छोड़ना, और पल पल की खबर मुझे देते रहना। चलो ख्याल रखना। ए भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे इस दुनिया में कोई भी ना कुछ करो हमारे प्रभु, हम तो बर्बाद हो गए। अरे लेकिन हुआ था, क्या हुआ? चला गया ऐसे ही। हमको क्यों कोई बहकाएगा बाबूजी, हमारे सामने ही इन्होंने सब कुछ बकाया है। और इसमें आप सब मिले हुए, इतना बड़ा सच छुपाया आपने हमसे, अब हम और नहीं रह सकते यहाँ पे अम्मा जी। और हमारे बाबूजी के पास आज भी बहुत पैसा है, और आज भी ना छपरा में सारे लड़के हमारे ऊपर मरते हैं, कर लेंगे किसी से ब्याह हुआ जाके। और इस धोखेबाज आदमी के साथ अब हम और नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं अपने ससुराल छोड़ के अपने मायके। बहुरिया मेरी बात तो सुनो, हम समझाएंगे लल्ला को। अरे मेरी बात तो सुनो बहुरिया। अरे तू यहाँ पर बैठ के चीखेगी तो सुनेगी, अरे उसके पीछे भागो। आओ 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 जल्दी, क्या कर दिए तुम? अरे मारे बहुरिया, तुम कमाल कर दिए, आपने तो सुन ली। अब हमको समझ में आया, अब हमको समझ में आया भगवान क्या अब ये सोमरस काहे पीते। हमने अगर पहले ही पी लिया होता तो झुमकी नाम जो कष्ट है, जो संकट हमारे कपार में मंडरा रहा है, कब का चला गया होता। प्रभु ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए। भगवान जी आई लव यू, भगवान जी, भगवान जी आई लव यू टू। कैसे हैं आप लोग भाई? बाबा के साथ अच्छा नहीं लगता? नई माँ कैसी लगी? उनके बुरा लगा कि गिरीश जी के छोटे भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, पर हमें तो अपनी जांच पूरी करनी है। देखो बच्चे भी आ गए। वही बोलना जो मैंने कहा, और लाला जी भी में सब गलता गलता बोलना, ठीक है? समझी, हमें यहाँ नहीं रहना। आओ आओ बच्चे। हमें कब से आपका ही वेट था। कैसे हैं आप लोग भाई? मिष्टी बेटा कैसे हो? बाबा के साथ अच्छा नहीं लगता? नई माँ कैसी लगी? डरो मत बेटा, बोलो तुम्हें यहाँ अच्छा तो लगता है ना?
अभी आप कहीं मत जाना। हाँ मछली, मैं यही रहूंगी आपके पास, कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? देखकर अच्छा लगा, मिश्री आपसे बहुत घुल मिल गई है। ये मेरी माँ है, सबके पास एक माँ थी, इसीलिए अब मेरे पास भी एक माँ आ गई, एक अच्छी वाली माँ, है ना टाकू माँ? अपनी बड़ी बेटी को जरा बुला देंगे, उससे भी हम लोग मिलना चाहते हैं। शायद वो कमरे में है, मैं उसे ले आती हूँ। क्या करूँ, मेरी ट्रिप की बस है और यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, कैसे निकलूंगी यहाँ से? अब तो सोनाली की स्टेप मॉम भी वापस आ गई, उनसे भी बच के निकलना बहुत मुश्किल है, वो भी इतना सामान लेके। चल निकलना होगा। दिया, ये इतनी सुबह सुबह ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? वो मैं अपना सामान दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही थी। अच्छा, रुको, सोनाली का है, जरा उसे नीचे भेज दो। वो तो पार्लर। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पार्लर की नेक्स्ट जो शॉप है ना, साइबर शॉप, वो वहाँ गई है। एक्चुअली घर का प्रिंटर खराब हो गया है ना, सो वो वहाँ चली गई। इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो सोनाली को ना थोड़ा अर्जेंट था। सोनाली तो इतनी सुबह कभी नहीं उठती, फिर इतना क्या जरूरी काम था? बच गई मैं, सोनाली की माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, इसकी तो जिब्बे टूट गई, सामान ज्यादा और बैग छोटा। कंगन, बैग कहाँ लेकर जा रही है? सोनाली का कुछ पता चला क्या? दिया कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, उनसे अभी ये कहना ठीक होगा। ये लड़की पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई, यहाँ कोर्ट के लोग आए हुए, उन्हें क्या जवाब दूं मैं? एक मौका नहीं चूकते मुझे परेशान करने का। ये लोग भी क्या सोचेंगे, कैसा पिता हूं ये नहीं जानता कि उसकी बेटी कहाँ है। वो तो आज तुम्हारी वजह से मिष्टी ने थोड़ी इज्जत रख ली है, वो लोग मिष्टी से मिलकर खुश हैं, उन्हें भरोसा हो गया कि मिष्टी हम लोगों के साथ खुशी खुशी रह रही है। बस अब सोनाली सब कुछ गड़बड़ ना कर दे। मुझे हमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मुझे लगता है कि सोनाली हमसे कुछ छुपा रही है। कौन सी नई बात है, फिर से कोई शरारत की होगी उसने, फिर वो बाद में बात करेंगे, पहले ये सोचो कि कहाँ गई हो। मुझे पता है कि वो कहाँ है।
फ्रेंडशिप खत्म। एंड डोंट वरी, मैं तेरा सीक्रेट सीक्रेट ही रहने दूंगी, ओके? अब सारा इल्जाम सुनाली पे, और मैं आराम से अपने ट्रिप एंजॉय करूंगी।